बाबी माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि पिताश्री और सेनापति रघुराज प्रताप सिंह जी हाँ, बहन रीना के लिए वर खोजने के लिए सूरत गढ़ गए थे जी हाँ, और कई दिन बीत गए ना पिताश्री वह सेनापति रघुराज प्रताप सिंह अभी तक ये लोग लौट कर नहीं आए, कारण क्या है भाभी माँ? देवर जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि रीना के लिए पर तो ढूंढने के लिए गए थे और अभी तक न पिताश्री और न रघुराज प्रताप सिंह अभी तक दिखाई नहीं दिए। कोई बात नहीं भाभी माँ, आओ चलो यहीं पर बैठकर थोड़ी देर पिताश्री वह सेनापति रघुराज प्रताप सिंह का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं रेशमा, कारण क्या है कि अभी तक पिताश्री आए नहीं राज दरबार में? यही तो मैं भी काफी देर से सोच रही थी कि आखिर पिताश्री अभी तक वापस क्यों नहीं आए, और न जाने क्यों आज मेरा दिल भी बहुत जोरों से घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंखें भी फड़क रही हैं, कहीं ऐसा न हो कोई अशुभ हो जाए। नहीं रेशमा, ऐसा अशुभ मत बोलो, चलो पिताश्री का इंतजार किया जाए। सेनापति जी, आप तो पिताश्री के साथ सूरतगढ़ गए थे, अचानक मैं क्या देख रहा हूँ कि पिताश्री नजर नहीं आ रहे हैं और तुम राज दरबार में मौजूद हो, परंतु मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं और तुम्हारे इन आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू बहने का कारण क्या है सेनापति जी? क्या बताऊं राजकुमार करण सिंह, महाराज के साथ रीना का पर देखने जा रहा था। ये तो बहुत खुशी की बात है। जैसे जंगल के बीचों बीच पहुंचा, वैसे डाकू मुन्नी भाई। क्या कहा डाकू मुन्नी भाई? डाकू मुन्नी भाई पूरे गिरोह के साथ आई और मेरे आंखों के सामने देखते ही देखते राजन का काम तो वो। रेशमा, भाभी माँ, बहन रीना, मैं क्या सुनाऊं? हाय भगवान, आज क्या सुन रहा डूब कसती गई मेरी मजबूरी सकी गई मेरी मजदूर ना, इधर का हुआ ना उधर का हुआ, इधर का हुआ ना उधर का हुआ, आज सुना हुआ मेरा संसार है रस, भाभीमा बहन रीना के लिए पिताश्री सूरत गढ़ गए थे, अचानक डाकू मुन्नी भाई का पिताश्री से मुठभेड़ हो गया और वो मुस्ताक डाकू मुन्नी भाई ने पिताश्री को दुनिया से दूर कर दिया। अब मैं इस संसार में किसके सहारे जीऊंगा भगवान, किसके सहारे जीऊंगा? भैया मैं भी अब
कुछ कहना चाहती है भैया? कहना क्या चाहती है मेरी बहन, क्या कहना चाहती है? और भैया मैं क्या करूं, जाऊं तो पिताश्री के घर में वो काफी परेशान है। और रेशमा तुम ही मेरी बहन रीना को समझा सकते हो, उसके दिल में धीरज तुम ही बंधा सकते हो। रीना हरी पगली हमारे एक तो वैसे ही हम और यह हमारा पूरा परिवार पिताश्री के मृत्यु कर दुख नहीं सहन कर पा रहा है। अरे पगली अगर तू भी हम लोगों के बीच में ना रही तो सोच हम लोग तो एकदम से टूट जाएंगे ना। देख विधाता की यही मर्जी, विधाता की यही देन कि पिताजी का साथ हमें यही तक लिखा था। और देख रो मत, आप भी मत रोइए ना जेठानी जी, आप भी मत रोइए। अगर हम लोग रोएंगे तो ये तो और ही टूट जाएगी। सही कह रहे हो रीना। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी राजन आप तो दुनिया छोड़ गए,
लेकिन जाने से पहले शायद एक कहावत आपने सुननी होगी, कहते हैं जो करे मुझसे बगावत, जो करे मुझसे बगावत वो मरे भरी जवानी में, नाम है रघुराज प्रताप सिंह लगा दू आग पानी में। राजन जब तक तुम्हारे बच्चों के हाथ में कटोरा देकर भीख न मंगवाया तब तक अपनी मां के सम चैन से नहीं बैठूंगा। देखना तुम्हारे बच्चे दर बदर की ठोकर खाएंगे और कंचनगढ़ का मैं महाराज कहूंगा। साथियों क्या बताऊं, कहां पीछे रहते हो? मैं पीछे हूं, आपका इंतजार कर रहे थे। शनि उस नौजवान की देखभाल तुम कर रहे थे? जी जी। अच्छा ये बताओ उसकी हालत कैसी है? हालत बिल्कुल ठीक है। दो गोलियां उसके जिस्म पर लगी थी और हमने उसकी गोलियां निकाल दिया हूं। बहुत बढ़िया की है। अच्छी तरह से ठीक हो गया है। सबसे पहले जाओ उस नौजवान को यहाँ पर लाओ और मैं उसे कुछ बातें करना चाहता हूं। ये बताओ अब तुम्हारी हालत कैसी है? बहुत अच्छी है, आपकी कृपा है। आप न होते तो मैं संसार में न होता। ठीक है, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें जानना चाहता हूं। सुनो हमारी बात। साप शब्दों में राजी जाहिर करो मगर तुमको फेंक और जंगल में दिया मान भाई मुझे सब बड़ा तुम करो। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां के रहने वाले हो? कंचन शिमला मोहे कंचन गढ़े मका मुन्नीदा को ने है मुझको और मार कर मुझको फेंका दिया बाल में और तरह की कत बताया। भाई मुन्नी डाकू ने मुझे मार करके इस जंगल में फेंक दिया था। ये तो अच्छा हुआ आप मिल गए और आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। भाई मैं ये एहसान जिंदगी भर इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा धर्म था। क्या कहा तुम्हें डाकू मुन्नी बाई ने मारा था? जी हाँ। और वही कंचनगढ़ सम्राट, मेरा नाम कंचन सिंह है। कंचनगढ़ के सम्राट कंचन सिंह हो,
श्या मेरे मालिक, मैंने जो सोचा था आज मेरा वो सपना साकार हो गया। मैंने कहा था एक दिन मैं महाराज को अवश्य बचाऊंगा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। महाराज मैं भी डाकू मुन्नी बाई का एक सदस्य, मेरा नाम डाकू शमशेर सिंह। डरो नहीं महाराज, डरो नहीं, क्योंकि मैंने भी वादा किया था कि मैं महाराज कंचन सिंह को अवश्य बचाऊंगा। एक दिन की बात है कि मुन्नी बाई ने मुझसे कहा कि आज की रात चलकर कंचनगढ़ को लूट लिया जाए, लेकिन महाराज मैंने कंचनगढ़ जाने से इनकार कर दिया। जब मैंने इनकार कर दिया तो डाकू मुन्नी बाई ने मेरे बदन पर हंटर चलाया और मेरी बंदूक छीन ली गई, मेरा कारतूस की पेटी भी छीन लिया गया और मुझे गिरोह से बाहर कर दिया। उसी वक्त मैंने कसम खाया कि जब तक मुन्नी बाई से बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। महाराज अब तुम मुझे मिल गए हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, हम दोनों मिलकर डाकू मुन्नी बाई से बदला चुकाएंगे। और आज से महाराज कंचन सिंह नहीं बल्कि आज से मैं अपने इस गिरोह का तुम्हें सरदार बनाता हूँ और तुम्हारा नाम सरदार मंगल सिंह रखता हूँ। शेलो मेरी राइफल और मिटा दो अपने दर्द जमाने। सरदार मंगल सिंह की, सरदार मंगल सिंह की, सरदार मंगल सिंह की। शमशेर सिंह भाई आपने मुझे अपने कबीले में शरण दिया है तो मैं वादा करता हूं कि आपका नाम रोशन करूंगा। जिस प्रकार से तुमने गरीब और शरीफों को मदद किया है उसी प्रकार से मैं शरीफों की मदद करता रहूंगा। जमाना मुझे क्या मिटाएगा, जमाना मुझे क्या मिटाएगा, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जय मां भवानी। गोकुल निरहू, निरहू कहाँ झिरहू की, कहाँ का निरहू, अरे गए झिरहू की, उनके बत्ता झिरहू को आ रहे हम निरहू। आज डेढ़ दो महीना हो गया हमका हाँ, हाँ, हाँ। यह महल में हाँ। तुहार सबके हम सब देखते ही कलाकार कहाँ देखा दिया, कपड़ा लता पहले कहाँ देखा दिया है, बोला इकला होकर धरा था कि तू बचे का अपन उपाय लगावता है कि मलकिन कुछ कहा है ना कोई भूसम करी का, कोई भूसम लाग रहे का, सब बात छोड़ा, जवन बात कहा आई है ओका कह दे। आज हमका लगभग डेढ़ दो महीना हो गया आए महल में, आज जब से आए ही ना का बताई, कुछ दिन तो ठीक रहे, आज 20-25 दिन से हम ऐसे लागत है दुबरात चली जाती है का, हम सोचिन भवानी पर जाए कहे दुबरात यही, हम फिर सोचिन कौनी बाती से हम दुबरात यही। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि जब तक जब जब हम अपनी जेठनिया कवितवा का देखी थे ना तब तब हमारे रत्ती रत्ती खून घट जाते हैं, वो का देखिन कि हमार भूख प्यास मरी, अब कभी तो हमें फूटी आंखी नहीं सुहाती है। हाँ, हारे
है बेचन कमजोर बहुत यहाँ आप हो गए, लेकिन आपका पेड़ू भूल दिया है। भाग भाग तो कम नहाके बला भाग, हमका लागत है कुछ भाग भाग का दी। चूतड़ कमजोर हो तो कवितवा हमें अब फूटी आंखी नहीं सुहाते, अब वो काम ऐसे देखत रहबे ना हां एकदम एकदम हो जा वैसन भैया झुरा लकड़ी हां जान लिया एकदम पीलिया पकड़ आई तो महल में आप कवितवा रहे या तो महल में रेशमा रही है, लेकिन महल में रही है तो रेशमा रही है। अरे भाई ऐसे आई तो आप पावरिया है जी। कौन पावरिया है अरे भाई तो हाथ धा किया है, लेकिन देखा अब हम ऐसा जुगाड़ लगाई ऐसी तरकीब लगाई कि कवितवा के है महल से दे नहीं करवाए तो करे बड़े हमें काम का करे कहा है। नहीं काम है हम चलती ही हाँ। कहा कोप भवन कोप भवन आ गया तो फिर चलती हाँ चोप भवन में चोप कोप भवन मारा पहन कोप भवन अब चलते ही कोप भवन एगो कुल हमरे अगर आवे वही ना वही वही। अच्छा मोदी साहब मोदी नहीं सारे कहा भाई योगी अरे हमरे आदमी हमरे मन से हाँ हाँ जैसे जैसे लिबरेशन भा है जब वो आवे पूछे तो हम सबसे कि कहाँ गई रेशमा तो बता दिया कि रेशमा भौजी बाटी कोप भवन में तो जब कोप भवन में आई है तो हुआ ही सम छच्छा काल करब शुरू ए जय जनी बैठी यहाँ नाच देखे तोहरे गांव रेशमा आई यहाँ सहूर बताए कि सुबेरे तक जई है सहूर सीख लिहु ई न कहू बिहान के कि रेशमा सहूर सिखाए के नहीं गई ना। अब चलती है कोप भवन में आ जब तक कभी तवा का निकल आए ना देर ना तब तक हमारे छाती के दाह ना बुदाए चाहे जमाना बरे हमारे लुट्ठे से बरे। नमस्ते द्वारपाल ये बताओ कि इस वक्त मेरी प्रिय रेशमा है कहाँ पे? ओ रेशमा भाभी की बात कर रहे हैं जी हाँ इस वक्त और टेप भवन में है। टेप भवन क्या है साली? इतने दिन से इस रियासत कंचनगढ़ में तुम नौकरी कर रहे हो, बुढ़े हो गए ड्यूटी करते करते लेकिन बोलने का तरीका नहीं। अरे बात समझ नहीं अरे हमना से जवनिया लड़बड़ा दिया है। अच्छा हम कहें कोप भवन तो समझा टेप भवन। द्वारपाल जी मेरी प्रिय रेशमा कोप भवन में क्यों गई है? देखा कोप भवन में जाने का कारण क्या है? देखा भैया तोहार दूजने के बात या अंदर के या बाहर के हम नौकर का पता कि तोहार उनके का बात भैया। द्वारपाल तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने पहली ही मुलाकात में जब से मैंने रेशमा को देखा कसम से ना जाने मुझे क्या हो गया है कि मैं रेशमा के बगैर बेचैन रहता हूँ। ओहो यही से तुमका चवाइन खा लिए थी। मैं रेशमा से बेहद प्यार करता हूँ तो ठीक है तुम्हारे कहने का मकसद यह है कि इस वक्त मेरी प्रिय रेशमा कोप भवन में है और मैं इसी वक्त कोप भवन जा रहा हूँ और तहकियात करूँगा कि कोप भवन में आने का कारण क्या है। राज दरबार में बराबर ड्यूटी देते रहना और मेरे हुक्म का पालन करना। अरे हाथी हाथी का है अपने बलम से अच्छा अरे माना मोरी मचानिया अरे मरता बेचारा से झूल पटवावई अपना घूमई पजारिया Ta
के कही तो कही गावे बजावे करे नहीं निरहु कहे निरहुआ निरहुआ तो ही निरहिया पगलान हा तो हम पगलान हा नहीं वो काम हाथ से नहीं छी निरहिया फिर रहिया गोड़े हाथ में महल लगाई ले सुन इको भवन आते अब चलते ही है अपन कार हम ठिकवावे नहीं ठिकवावे ठिकवा हम जाते बिस्तर जो लगा का उड़ास दे रजाई का दस सब चौपट दे हम आज जो बना खटिया बची अपना पहुड़ा अब हम भोइन में पहुड़ा भाज हम चलते ही भोइन में पहुड़े ढेर के घर डाला पीट लिए आवा आवा हेरा ढेरा दावा हम तो हमें तोहरे जरिया हम ओका अपने जठनिया के निकरा हूँ हेलो हेलो अरे मनवा मरा धर्माई गयु होली 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 प्रिय रेशमा न जाने क्यों तुम्हारी याद मुझे बराबर ही आती रहती है और मैं जब तक तुम्हें मैं देख नहीं लेता हूँ कसम से मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता प्रिय अरे मनवा मरा धर्माई गयु होली 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 बाकी सुरतिया दिखाए गई हो बाकी सुरतिया दिखाए गई हो हो मनवा मरा धर्माई गयु होली 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 बाकी सुरतिया दिखाए गई चितवन तिरछी चितवन हो तिरछी चितवन रस भर पतिया रस भर पतिया सुनाई गई होई 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 बाकी सुरतिया दिखाई गई हो या प्रभु आज मैं अपनी प्रिय रेशमा को किस हाल में देख रहा हूं मेरे राज दरबार में सारी व्यवस्था है पलंग है बेड है कारण क्या है कि आज मेरी प्रिय रेशमा पलंग पर ना सोकर इस वक्त वो जमीन पर सो रही है अब मुझे करना क्या है कि सारी बातें मैं द्वारपालों से तहकियात करूंगा द्वारपाल क्या कारण है कि आज मेरी प्रिय रेशमा पलंग पर ना सोकर इस वक्त वो जमीन पर सो रही है देखा बाबू पलंग पर अच्छा नहीं लगा जमीन में तनी तरावट मिलत है बर लेटी हुई है साले पूरी बात मेरे समझ में नहीं आती कहने का मतलब यह है कि चार भाई बहन को तकलीफ होती नहीं होगी किस बात की अरे कमर उमर में दर्द हो जाता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में किसी ने मेरी प्रिय रेशमा को कुछ कहा है इसीलिए ये कोप भवन में आई है तो जगत भाई हम तो भाई जाने दे परिवार हम तो बाहर रहे तो मार ड्यूटी बाहर कोई बात नहीं है मैं चलकर रेशमा से पूछता हूँ बेशक बेशक छुआ ना छुआ ना करंट मार दिया अर्थिंग ले लिया तू हो क्या चबाई या प्रभु क्या कारण है जब मैं राज दरबार करता था तो रेशमा मुझे देखते ही दौड़ कर अपने गले से लगा लेती थी और पूछती थी कि स्वामी जी इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो और मैं आया और मैं रेशमा को बुला रहा हूं और रेशमा ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नाराज हो गई है नहीं रेशमा तुम्हें नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है।